हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, दिस इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। गाइस, जैसे कि एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। इसमें से कुछ खास क्वेश्चन नहीं होते हैं। सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ जो हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखिए, ठीक है। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारे पैराज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं इनको दो में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद सिंपल को तीन में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आपको पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमा जो है वो किससे फॉर्म होता है, कोलेन्काइमा में क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक सुपरफिशियल बेस पे आप अगर ये सब जानते हो तो इसके क्वेश्चंस को करना ईजी है, बिकॉज इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें सिंपल बेस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ खास लॉजिक नहीं लगता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, तो इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। तो आपको पता होना चाहिए कि जाइलम का क्या काम होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, फ्लोएम के क्या फंक्शंस होते हैं, और इनमें जो है मतलब कि बना हुआ होता है जाइलम, उसमें क्या क्या, जैसे कि ट्रैकीट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे ये जो आप देख रहे होगे, प्राइमरी जाइलम ऑफ टू टाइप्स, ये पैरा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिए और समझिए, ठीक है। अदरवाइज इसके लिए अलग सारी वीडियोज़ बनेंगी, अभी सिर्फ हाईलाइट कीजिए अपनी एनसीईआरटी में, जिससे कि जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाएं तो उस टाइम पर आप इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कॉम्पेनियन सेल के बारे में बहुत पूछा जाता है, सी ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम फाइबर्स इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोएम की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। उसके आता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, गार्ड सेल्स, टोमेटा, सबिस्ट्री सेल्स, टोमेटा अपर्चर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये पूरा अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में और 11th में और ये सब बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर याद रखिए, और ये रेडियल, कंजाइंट, इन सब के बारे में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको याद रखिए। उसके बाद अगर आप ये डायकोट के बारे में इतना ज़्यादा परेशान होते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इन सब की एक सेपरेट वीडियोस बनेगी, जो कि बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज दीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बस ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद वोलीफॉर्म सेल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ को एक बार समझ लीजिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम्स इम्पॉर्टेंट है, इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो उन सारी वीडियोस को देख चीज़ें समझ में आ जाएं। इसके साथ एक ईबुक भी अवेलेबल है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसको समझाया है, तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए सारे लिंक। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।